हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर लुप्सांग। ओके, सो मैं ये जल्दी जल्दी बनाऊंगा, एक छोटा सा वीडियो है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो मैंने कल परसों देखा था कि यू नो सारे बोल रहे कि NDTV ने अपोलोजाइज कर दिया है, ये वो, एवरीवन वाज सो हैप्पी। सो आई हैड अ वर्ड विद अलापा टुडे, मतलब आज मैंने अलापा के साथ बात किया था एफ ऑफ ऑल। सो शी ऑल्सो टोल्ड मी कि सी NDTV ने दे माइट हैव अपोलोजाइज यू नो ऐसे पर्सनली, जब हमारे लोग गए थे वहाँ पर उनके ऑफिस पे प्रोटेस्ट करने, उन्होंने बोला होगा, पता है, ठीक है, प्रेशर में बोला होगा क्योंकि हमारे लोग भी वहाँ पे थे एंड उनके ऊपर बहुत प्रेशर भी आया होगा क्योंकि हमारे लोग कॉल पे कॉल करना और जो कुछ लोग वहाँ पे ऑफिस पे प्रोटेस्ट करना, तो थोड़े से उनको ना प्रेशर हुआ होगा ना, तो दे माइट हैव सेड कि हाँ वी अपोलोजाइज करके ऐसे बोला होगा मुँह से। बट सी द थिंग इज, NDTV ने क्या किया है, न्यूज में हमारे हिज होलीनेस द दलाई लामा जी को डिफेम किया है, अखबारों न्यूज पेपर पे छपा है, आर्टिकल्स लिखा हुआ है। तो जब वो लोग पूरी नेशन वाइड को पूरी TV में ऐसे हमारे दलाई लामा जी को डिफेम कर सकते हैं, तो दे शुड अपोलोजाइज ऑन TV टू। अलापा इज कम्प्लीटली राइट। जब मैंने देखा था ना, जब जब लोग मुझे सेंड कर रहे थे कि NDTV ने अप्रोचाइज कर दिया ये वो, तो मैंने भी सोचा था उस टाइम पे कि क्या ये TV पे आया। बहुत सारे मैंने ब्लॉगर्स देखे जो बोल रहे कि NDTV ने अप्रोचाइज कर दिया, पर मैंने नहीं बनाया ये वीडियो, आप लोगों ने नोटिस किया होगा मैंने ये नहीं बनाया, क्योंकि आई वॉज वेटिंग कि शायद वो लोग TV में बोले, न्यूज़ में बोले या फिर आर्टिकल छपे। तो यस, जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर NDTV ऑफिस को कॉल कर रहे हैं, प्लीज़ मत रोकना, कीप डूइंग दैट, क्योंकि जब तक वो लोग TV पे, न्यूज़ पे या फिर आर्टिकल पे दुनिया के सामने माफ़ी ना मांगे, तब तक हमारा अभी भी फाइट ख़त्म नहीं हुआ है। द फाइट इज़ स्टिल गोइंग ऑन एंड यू गाइज हैव टू कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। ओके, प्लीज़ ख़त्म मत करना जस्ट बिकॉज NDTV ने सॉरी बोला है ऐसे पर्सन टू पर्सन। हमें पर्सन टू पर्सन सॉरी नहीं चाहिए। जब NDTV वालों ने बिना कुछ यू नो विदाउट नोइंग द फुल स्टोरी, जब वो लोग TV में ऐसे हमारे TV में पूरी दुनिया के सामने डिफेम कर सकता है, तो पूरी दुनिया के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट करो। जब तुम बिना सोचे समझे ऐसे बकवास बातें बोल सकते हो, तो इतना क्षमता होनी चाहिए अपने अंदर कि तुम दुनिया के सामने अपोलोजाइज करो। सो यस, NDTV नीड्स टू अपोलोजाइज ऑन TV नेशन वाइड एंड ऑल्सो आर्टिकल होनी चाहिए न्यूज़पेपर पे, तब जाके हमारा फाइट पूरा होगा। अभी जो हमारा फाइट चल रही है ना, एवरीवेयर प्रोटेस्ट हो रहे, बहुत सारी पूरी बाहर, इटाली, फ्रांस, न्यूयॉर्क, इंडिया, हर जगह में प्रोटेस्ट हो रही है। वाई चलती रहना चाहिए, प्लीज गाइज डोंट स्टॉप दिस फाइट। NDTV को अभी भी कॉल करते रहना, ओके, कीप कॉलिंग देम एंड बस इतना ही बोलना था, छोटा सा वीडियो। मैं अभी बाहर जा रही हूँ एक्चुअली, तो मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे वीडियो बना लिया, मैं बाहर भी हूँ। तो या आई हैव नोटिस दैट हमारे पूरे लोग मिलजुल के इतना कुछ कर रहे हैं, सब लोग अपनी तरफ से यू नो अपना वे में फाइट कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग एवरीथिंग, यू नो आर पीपल, यू नो बुद्धिस्ट पीपल, दे आर डूइंग एवरीथिंग यू नो टू विन दिस फाइट एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल, सो कीप डूइंग दैट। मैं विश करूँगा, मैं भी आई एल कीप डूइंग what I can do on my own। आप लोग भी करते रहना एंड डोंट स्टॉप अनटिल NDTV apologize on TV एंड ऑन रिटन आर्टिकल। ओके, यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जब तक पूरी दुनिया के सामने वो लोग माफ़ी नहीं मांगते, तब तक हम माफ़ी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर्सन ऐसे पर्सन वाला माफ़ी एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके, या दैट्स इट, बाय गाइज, आई लव यू, टेक केयर।